हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं डायनो पार्ट। आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में मैं मेनली फोकस कर रहा था अपने लेवल्स को अपग्रेड करने का। तो उसी बीच मैं देख रहा था, मतलब प्ले कर रहा था, एक्सपेडिशन कर रहा था। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना अपने डायनो पार्ट को एक बार अपडेट किया जाए। तो जैसे ही मैंने डायनो पार्ट को अपडेट किया और फिर सेकेंड टाइम जैसे उसे ओपन किया, मैंने देखा कि सेंटा क्लॉज क्रिसमस लेके हमारे डायनो पार्क में आ गए हैं। मैं तो आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बोल रहा था कि अगर आप लोगों को पता है कि क्रिसमस में कैसे लाऊं अपने डायनो पार्क को, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मेनली मुझे लगा तो बहुत ही अच्छा होगा ये क्रिसमस, उतना भी अच्छा नहीं, मतलब ठीक है। जैसे जो मतलब ये रोड है, इस पर जगह जगह स्नोफ्लेक्स हैं, जगह जगह क्रिसमस ट्री, एक सेंटा क्लॉज यहाँ पे खड़े हैं। हर एक मतलब जैसे कि ये पेन होता, उसमें स्नो की बरसात हो रही है और यही सब बस। और एक चीज़ और हुआ है, मेरा लेवल लास्ट वाले एपिसोड मेरा लेवल था 19, आज मेरा लेवल था 25। और मेरा एक बहुत ही बढ़िया चीज़ अनलॉक हुआ था और वो चीज़ है बैट स्कलर रीन। आप लोग देखने के लिए तैयार हो तो देखिए 3, 2, 1 देखिए बैट स्कलर रीना। देखिए पर इसमें बेसिकली ये कुछ नहीं है, बस इसमें एक चीज़ एक फ़ायदा है कि जैसे उसमें तो फिक्स रहता था डायनासोर की, आप कभी बड़े डायनासोर से ये से यहाँ पे फिक्स्ड है। मैं एंकिलोसोर का 3rd लेवल और ये स्टेगोसोर का 4th लेवल से फाइट करूँगा। लेकिन ये बैट स्कल एरिना में ये फिक्स नहीं होता, कभी भी या तो बहुत ही पावरफुल डायनो आ जाते हैं, नहीं तो देखिए जैसे फ्रेंड्स मैंने गलती से मुझसे क्लिक हो गया था और ये देखिए अच्छा फाइट कर ही लेता हूँ मैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स ये बड़ा वो जंगल सफारी वाला टोपी पहन कर ये आया है, फेल कर गया मैं हारने पर हूँ, मैं हार जाऊँगा लगता है। अच्छा बच गया। शील्ड मैं फ्रेंड्स इसमें दो एक और फायदा है कि शील्ड भी हम ले सकते हैं। और ये तो मुझे भी पता है कि बैटल एरिया में भी शील्ड ले सकते हैं। ये क्या बात कर रहा हूँ मैं भाई साहब, मुझसे भी डबल मार रहा है ये तो। मैं तो सोच रहा बेसिकली शील्ड रो बचो और एक डायनासोर से दोनों को डिफीट करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भाई लाइफ में। फिर बहुत फेल कर रहा हूँ मैं यार, मुझे जैसा लग रहा है मैं हारूंगा। एक डायनासोर से इम्पॉसिबल हो चुका है अब ये जीतना। मेरा लाइफ है 15, अपोनेंट का लाइफ है 90 और उसको वैसे भी इसके सेकंड डायनासोर का लाइफ 90 है। एक ही बार में हरा दिया। अच्छा इसका दोस्त यहाँ पर आ चुका है, ये बोल रहा है कि मैं अपने दोस्त का ज़रूर बदला लूँगा, बदला लेकर रहूँगा। वो 42 फ्रेंड्स में मार रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही रफ्तार तेज़ हो गई थी हमारी। जैसे इस यही बात मैं फ्रेंड्स करता, कभी बहुत ही पावर डायनो आ सकते, कभी बहुत ही पिद्दी डायनोसॉर्स आ सकते। जैसे एमोनाइट का 1st लेवल, एंकिलोसॉर का 1st लेवल, कितना छोटा छोटा। मैं एक हंसने का यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, एक ये लाइक वाला, एक ये गुस्सा वाला, देखिए गुस्सा वाला ये रहा, फिर जैसे कि ये हंसने वाला, फिर जैसे कि ये रोने वाला। मैं चारों आप लोगों को दिखा। और लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि हमें बस 500 कॉइन्स मिलते हैं। और एक और बहुत बढ़िया चीज़ हमारे डायनो पार्क में मैंने किया है वो ये है, हमारे एमोनाइट का अब अपग्रेड होगा। अब हमारा एमोनाइट देखिए फ्रेंड्स, अब कुछ ही देर में हमारा एमोनाइट अपग्रेड हो गया। वाओ यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे कॉइन्स गिर रहे हैं। ये कौन चिल्ला रहा था? वो भी डायनो पार्क में, वाह। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स ये सब कुछ नए बंदे आ रहे हैं मेरे डायनो पार्क में। हमारा डायनो पार्क का फेमस होने जा रहा है। और मुझे जैसा लग रहा है ये जो डायनासोर है ये सबसे पावरफुल डायनासोर, मुझे लगा ही था ये सबसे पावरफुल डायनो बन जाएगा। अच्छा बात हो गया हमारे लिए स्पेशली। और फिर एमोनाइट, फिर वेलोसिराप्टर को, तो हमारे जो फिर टीरेक्स को भी मैंने वो अपडेट किया यहाँ पर। फ्रेंड्स मैंने तो आप लोगों को तो लास्ट वाली वीडियो में बताया मैंने इसे इतना अपग्रेड किया कि अब एक बार में 1100 कॉइन्स मुझे दे रहा है। अरे वाह। और फ्रेंड्स देखिए मैंने अपने ट्राइसिक पिटासोर को भी बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड किया है। और ये गोलीमस को फ्रेंड्स मैंने कुछ ज़्यादा ही अपग्रेड कर दिया। सबसे पहले ये सबसे स्मॉल लेवल, फिर मैं इसे 2nd लेवल पर, फिर ये तो अब 3rd लेवल पर है।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए जैसे थर्ड लेवल पे इसमें बाल उगना शुरू हो जाते हैं, और फोर्थ लेवल में थोड़े से, फिफ्थ लेवल में मतलब ठीक ठाक, और फिर लास्ट वाले लेवल में तो ये तो बंदर जैसे, बंदर बूढ़े बंदर का जैसे बहुत बहुत बाल हो जाते हैं वैसे इसका हो जाता है, ये एंकिलोसॉर हमारा। और ये एक नया डायनासोर है, इसका नाम है आर्चियोपेटर। इस सब का डायनासोर का नाम बहुत अजीब अजीब होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा एक स्मेल्डन है, ये स्मेल्डन मैंने पहले भी खेला हुआ तो आप लोगों को मैंने बताया था कि ये एक स्मेल्डन है, मुझे सारे डायनासोर के नाम मेनली पता है मेनली। और फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे एक दो मतलब वो मैकेनिकल डायनासोर भी मिल चुके, एक ये और एक ये। और फ्रेंड्स आप मैं लास्ट वाले पर हमें डायनामाइट स्टिक में, तो और आज मैं इतना डायनामाइट स्टिक का इस्तेमाल करता, आज मैं 6 टाइम इसे बाई कर रहा हूँ, पहले 1000 का था, नहीं 3000 या 4 कितना का भी हो, आज मेरा इसका दाम हो चुका है 9000। और ये एक दाम बस दो बार के लिए रखता है और फिर 1000 बढ़ जाता है, चीटिंग करते हैं लोग मेरे साथ। तो फ्रेंड्स मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आप, मैंने इसमें एक और बढ़िया चीज़ सीखा था कि जैसे देखिए ये हाँ यहाँ कहाँ पर मुझे इतना पता भी नहीं है सॉरी, हाँ जैसे योर प्लेयर आईडी, ये है मेरा प्लेयर आईडी, आप लोग मुझे अपना प्लेयर आईडी प्लस अपना टाइम और अपना नाम कमेंट में दे दीजिए, और जो लोग मुझे अपना आईडी नेम प्लस टाइम मुझे दोगे मैं उनसे एक साथ प्ले करूँगा, और उसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपडेट होगी, ऑफकोर्स मैं उन्हें शाउट आउट भी दूंगा। और मैं आप लोगों को समय देता हूँ कि संडे तक मैं जो जो लोग मुझे देंगे उनके साथ मैं प्ले करूँगा डायनो पार्क में एक बैट स्कल एरेना। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।